नमस्कार, तमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर यूएन को खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल भारत मौजूदा क्षमताओं के आधार पर यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है, मगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों को बार बार टाल रहा है। इस पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को संदेश देते हुए कहा कि 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। इस पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बदलती वास्तविकता को पहचानने, अपने निर्णय लेने वाले मंचों का विस्तार करने, अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने और उन आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है जो मायने रखती है। अब यह समय पर नहीं किया जाता तो छोटे या क्षेत्रीय मंचों को अधिक महत्व मिलना शुरू हो जाता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विश्व आज बहुध्रुवीय है, जहां नियमों पर आधारित ऐसी व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है जो सभी के सरोकारों के लिए जायज और संवेदनशील हो। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। लिहाजा कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। दिल्ली को भारतीय संस्कृति के रंगों और सुंदर कलाकृतियों से सजा दिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के सुरक्षा कवच को भी मजबूत किया जा रहा है। 24 घंटे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। हर चौक चौराहे पर कैमरे लगाए गए हैं जो हर मोमेंट को कैप्चर करेंगे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से मंडपम तक दिल्ली पुलिस की ब्लू ब्रिगेड और पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ तैनात रहेगी, वो भी हाईटेक हथियारों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों में। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के कार्यों का गुणगान किया है। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में राजनीतिक स्थिरता के कारण भारत कानूनी सुधारों को लागू करने में सफल रहा है। इसके साथ ही मूलभूत कल्याण योजनाओं में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिला है। लेख में आगे लिखा गया कि विवादों में घिरी राजनीति के बावजूद भारत अपने भौगोलिक लाभों और डिजिटल कौशल की व्यापक संभावनाओं के जरिए आगे बढ़ रहा है। लेख में इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर इंडिया की ओर से एयरबस और बोइंग के रिकॉर्ड 470 विमानों का ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है। अखबार में भारत के अगले 4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही एप्पल के बॉस टिम कुक के दिल्ली दौरे का जिक्र किया और फॉक्सकॉम के भारत में फैक्ट्री शुरू करने, सेमीकंडक्टर समेत कई मामलों को लेकर भारत की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बारामूला पुलिस ने लश्करे के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बारामूला के रहने वाले हैं और ये लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर हैं। आरोपियों के पास से मैगजीन के साथ साथ एक चीनी पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। वहीं पूछताछ में इन आतंकियों ने खुलासा किया कि वे लगातार लश्करे तैयबा के आकाओं के संपर्क में थे और सारी जानकारी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं को देते थे। कश्मीर पुलिस के अनुसार ये आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला और टारगेट किलिंग को अंजाम देने के फिराक में थे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर लोगों में अभी भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म ने 4th हफ्ते में भी शानदार कमाई की है। साइकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने रिलीज के 24वें दिन यानी 4th रविवार को 8.50 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ फिल्म की 24 दिनों की कुल कमाई अब 501.87 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ गदर 2 ने पठान और बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गदर 2 बाकी फिल्मों के मुकाबले सबसे तेजी से 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले पठान 28 दिनों में 500 करोड़ के क्लब में प्रवेश करने वाली सबसे तेज फिल्म थी, जबकि बाहुबली ने 34 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की थी। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटीज स्टडी यानी PICSS की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते अगस्त महीने में आतंकी हमलों में 83% की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में बीते महीने 99 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई। ये नवंबर 2023 के बाद से किसी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है। रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई महीने में 5 आत्मघाती हमले हुए, जो एक साल में सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर देश में 2023 के पहले 8 महीने में 22 आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 227 लोग मारे गए और 497 घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 24 आतंकवादी मारे गए
और विभिन्न ऑपरेशन में 69 अन्य की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट की माने तो अगस्त में आतंकवादी गतिविधि से सबसे अधिक प्रभावित बलूचिस्तान और पूर्व संघीय प्रशांतीय जनजातीय क्षेत्र था।